हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें और देखते रहें एजुकेशन का अड्डा। नाउ वी रीड लेसन 7, द स्काई इज फॉलिंग। आइए आज हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे कक्षा 5वीं का ये पार्ट 7, द स्काई इज फॉलिंग। आकाश गिर रहा है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत ही रोचक स्टोरी है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं। कुट कुट कुटक कू, अ हेन वॉज स्टैंडिंग नियर अ कोकोनट ट्री। मुर्गियों को देखे हो ना आप लोग, सुने हो ना, कुट कुट कुटक कू, है ना, कुट कुट करते रहते हैं। तो अ हेन वॉज स्टैंडिंग नियर अ कोकोनट ट्री, एक मुर्गी जो है वॉज स्टैंडिंग, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य, वॉज स्टैंडिंग नियर अ कोकोनट ट्री, वह जो है कोकोनट, कोकोनट यानी नारियल, या देखिए यहाँ पे नारियल का पेड़ है ना, कोकोनट ट्री के पास जो है खड़ी थी। अ नट फेल डाउन फ्रॉम द ट्री, धम, एक जो नट है, नारियल है, वो क्या हो जाता है, फेल डाउन यानी जमीन पर गिर जाता है, और आवाज आती है कैसे, ड्रम। सी सेड कुट कुट कुटक्कू, द स्काई इज फॉलिंग एंड सी रेन। वह सोचती है कि आकाश गिर रहा है, और क्या करती है, सी रेन, भागती है और चिल्लाती है, स्काई इज फॉलिंग, स्काई इज फॉलिंग। द कॉक आस्क्ड, मुर्गा पूछता है, कॉक यानी क्या होता है, मुर्गा, मुर्गा पूछता है, व्हाई आर यू रनिंग, क्यों दौड़ रही हो तुम। देन हेन सेड रन, द स्काई इज फॉलिंग, वो मुर्गी बोलती है कि भागो भागो, आकाश गिर रहा है। द कॉक सेड आई एम ऑल्सो कमिंग विथ यू, सो दे रेन टूगेदर। और बोलती है कि आकाश गिर रहा है, फिर मुर्गा भी जो है बोलता है अरे 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 चलो चलो मैं भी तुमसे तुम्हारे साथ भागता हूँ, सो दे रेन टूगेदर, वो भी जो है उसके साथ जो है भागने के लिए तैयार हो जाता है और भागते हैं दोनों दोनों। ऑन द वे द मैटर डक, अब ऑन द वे यानी रास्ता, जब रास्ते में जब भागते रहते हैं, दे मेट, मीट यानी होता है मिलना, दे मेट, मिले अ डक, एक डक मिल जाता है, बतख मिल जाता है। द डक आस्क्ड क्वैक क्वैक, व्हाई आर यू रनिंग, डक बोलता है, डक बतख बोलता है, व्हाई आर यू रनिंग, क्यों दौड़ रहे हो आप लोग। द हेन सेड रन रन कुटक्कू, कुट कुट कुटक्कू, द स्काई इज फॉलिंग, मुर्गी फिर से बोलती है दौड़ो दौड़ो भागो भागो, द स्काई इज फॉलिंग, आकाश जो है गिर रहा है। द डक सेड आई एम ऑल्सो कमिंग विद यू, एंड दे रन टूगेदर, रन टूगेदर। अब देखो डक भी जो है सुनती है कि आकाश गिर रहा है, वह बोलती है चलो मैं भी तुम्हारे साथ भागती हूँ, आई एम कमिंग, मैं भी आती हूँ, विद यू, मैं तुम लोगों के साथ आती हूँ। एंड दे रैन टुगेदर, देखो मुर्गा मुर्गी और बतख भाग रहे हैं, और पीछे क्या है, खरगोश है, देखते हैं। रैबिट सा देम रनिंग, खरगोश भी देखता है कि सब कैसे भाग रहे हैं भाई। रैबिट वेयर आर यू गोइंग, वो भी पूछ बैठता है क्या हुआ भाई, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो। द हेन सेड रन रन द स्काई इज फॉलिंग, फिर से मुर्गी बोलती है भागो भागो दौड़ो दौड़ो, द स्काई इज फॉलिंग, आकाश गिर रहा है। सो दे ऑल रन टुगेदर, और सभी के सभी देखो यहाँ पर पिक्चर में दिया हुआ है, क्या करते हैं, दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अ फॉक्स वॉज कमिंग आउट ऑफ हर केव, देखो ये क्या है, केव, केव यानी गुफा। अ फॉक्स कमिंग आउट, फॉक्स जो है लोमड़ी जो है अब बाहर निकलता है, कमिंग आउट, कम यानी आना, आउट यानी बाहर, कमिंग आउट ऑफ अवर केव, केव यानी गुफा से बाहर आता है। सी आस्क्ड, वह पूछती है ओ माय डियर व्हाट इज द मैटर, पूछती है अरे मेरे प्रिय सभी जानवरों, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है भाई कि तुम सब भागे भागे फिर रहे हो। द हेन सेड द स्काई इज फॉलिंग, We are all going to the king's palace. मुर्गी बोलती है कि sky is falling, आकाश गिर रहा है,
खाली ने गिरना गिर रहा है। वी आर ऑल गोइंग टू द किंग्स पैलेस, हम सभी के सभी कहाँ जा रहे हैं, गोया ने जाना टू द किंग्स पैलेस, राजा के पैलेस में, उसके दरबार में जा रहे हैं, महल में जा रहे हैं। द फॉक्स सेड फ्रेंड्स आई नो द किंग्स पैलेस। लोमड़ी जो है बहुत चालाक जानवर है कि नहीं है, वेरी क्लेवर एनिमल। द फॉक्स सेड फ्रेंड्स, दोस्तों आई नो द किंग्स पैलेस, और वो बोलती है कि मैं राजा के महल को मैं जानती हूँ। आई विल टेक यू देयर, मैं तुमको चलो वहां पर लेके चलती हूँ। द हेन सेड यस यस, मुर्गी कहती है, मुर्गी बोली यस यस, हाँ, चलिए चलिए। द फॉक्स वेंट इन टू द केव, और फॉक्स जो है, लोमड़ी जो है, वेंट यानी गई, गो यानी जाना, गो वेंट गॉन, जाती है इन टू द केव, अपने गुफा में जो है जाती है। एंड द हेन द कॉक द डक द रैबिट वेंट इन इनटू द केव वन बाय वन, और एक एक करके पहले मुर्गी, फिर मुर्गा, फिर बदक, फिर रैबिट यानी खरगोश, वेंट इनटू द केव, बारी बारी से वन बाय वन यानी एक एक करके सब अंदर जाते हैं। गेस व्हाट हैपेंड देन, अनुमान लगाओ व्हाट हैपेंड, क्या हुआ होगा, तो बताइए क्या हुआ होगा। वो लोमड़ी जो है सबको चट कर गई, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको किसी भी चीज पर एकाएक विश्वास नहीं करना चाहिए, या हमारे साथ कोई घटना घटती है तो हमको थोड़ा सा उसका परीक्षण करना चाहिए। भाई धड़ाम से आवाज आया तो मुर्गी को चाहिए कि देखे पीछे क्या चीज है, उसने सोच लिया आकाश गिर रहा है, और आकाश का कोई और छोर है क्या कि वो भाग जाए तो मुर्गी बच जाए। चलो मुर्गी ने गलती किया, उसके बाद ये मुर्गा, वो जैसे बोली वह भी जो है भागने लगा, उसके बाद ये डक, उसके बाद ये रैबिट, तो दे ऑल आर फुल, सब कैसे थे, मूर्ख थे। बट यू हैव टू बी अ वाइज, लेकिन आप लोगों को क्या बनना है, वाइज बनना है, बुद्धिमान बनना है, क्लेवर बनना है। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेसन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड द नेक्स्ट चैप्टर, सो कीप वॉचिंग एजुकेशन का अड्डा चैनल। एजुकेशन का अड्डा चैनल आप देखते रहें, और जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।